हेलो दोस्तों, सोनम की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मिक्स दाल, अरहर और उड़द की दाल। तो हमने दाल को अच्छे से साफ कर लिया है और अच्छे पानी से धुल भी लिया है, क्योंकि दाल में कंकड़ अक्सर रहते हैं, तो हमें उसे अच्छे से देख लेना है और अच्छे पानी से धुल लेना है। तो हमने यहाँ पर लिया एक कुकर, तो उसमें हमने दाल को धुल कर डाल दिया। एक कप पानी डाल दिया हमने उसमें। अब इसमें डालेंगे एक पिंच हींग। हींग से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो हम अपने कुकर को बंद कर देते हैं। हमने यहाँ पर एक चम्मच नमक डाल दिया था, स्वाद अनुसार आप डाल लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर गैस को जला दिया है। आप यहाँ पर कुकर को रख देते हैं। तो हम यहाँ पर पकने का इंतजाम तक निकलते हैं, दाल फ्राई करने का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया दो छोटा छोटा प्याज। तो हम प्याज को छोटे छोटे स्लाइसों में कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्याज को कट कर लेते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरी हिम्मत बढ़ेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं नई नई रेसिपी लाती रहूँ और आप लोग देखते रहें। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया अब लहसुन। तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप बड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं छोटा करके थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया दो साबुत मिर्च लाल वाली और एक तेज़पत्ता लिया है। तो हमने यहाँ पर एक ले लिया कढ़ाई, गैस पर रख दी है। इसमें डाला हमने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो हमने यहाँ पर डाला तेज़पत्ता। तेज़पत्ता फ्राई हो चुका हमारा। यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन। हमने यहाँ पर सारा लहसुन डाल दिया है। तो आप लोग कमियाँ ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियाँ हैं, लहसुन ज़्यादा खाइए, सेहत के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर हमने ले लिया है एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हमने हल्दी पकने पे नहीं डाला था दाल पकने में, तो आप लोग पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो साबुत मिर्च लिए थे, हम उसको तोड़ लेंगे। अब हम इसको तेल पर डाल देंगे। जब हमारा तेल फ्राई, जब हमारा मिर्च फ्राई हो जाएगा, तब इसमें डालेंगे प्याज। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज का भी टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि अक्सर होता है ना, हम लोग जीरे का तड़का लगाते हैं, लहसुन का लगाते हैं, प्याज का भी लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जीरा ऐड नहीं किया है। हमें यहाँ पर सिर्फ लहसुन, साबुत लाल मिर्च लेना है, प्याज लेना है, ये ज़्यादा ही मेन है, और हींग लेना है। तो आपकी दाल बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे रेसिपी को पूरा देखिएगा और ये दाल पक्का बनाइएगा। ये दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैं उसको अक्सर बनाती रहती हूँ। तो आप लोग भी ये दाल जरूर बनाइएगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा हींग और ऐड कर दिया। अच्छे से भून लेंगे। जब सारी चीज़ें भून जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे दाल। तो हमने यहाँ पर दाल डाल दिए। हमारी दाल तो फ्राई हो गई है। इतना अच्छा टेस्ट आने वाला है, मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये दाल कैसी बनी है। तो हम यहाँ पर अब दाल को ढक देते हैं, फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको सर्व कर दिया। एक कटोरी ले लिया छोटा।
ये देख लीजिए मेरी दाल बन चुकी है, खाइए मज़े करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो